तो यहाँ मैं गई थी अभी अम्मू का और राधिका अष्टमी का कपड़ा लेना। तो कल जब हम घर पहुंचे तो अम्मू को बहुत तेज बुखार आ गया। तो यहाँ अंदर पहुंचने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ तो आदमियों का समंदर लगा हुआ है। तो यहाँ मैंने बनाया है चाउमीन। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कल का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा थोड़ा कमेंट में बोलिएगा। तो मैंने जो फूल सजाया था वो पहली बार सजाया था, कभी नहीं सजाया वैसे उस तरह, क्योंकि मेरे घर में आई है लक्ष्मी और वो है जो मेरा भाड़े में रहते हैं जो नीचे, उनकी हुई है लड़की और मैंने उसको बेटी बनाया अपना। तो उसके लिए मैंने पूरा सजाया था, मैं और मेरा हस्बैंड मिल के पूरा सजाए हैं फूलों से, उसका वेलकम किया, उसका जो जो किया आप लोग ब्लॉग में देखे हैं। तो कैसा लगा मेरे को थोड़ा कमेंट में बोलिएगा। और आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ बहुत सारे मज़ेदार चीज़, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं क्या करती हूँ सब देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए। तो यहाँ मैंने बनाया है चाउमीन अंडा डाल के, और सब खाएंगे। अभी मैं ले रही हूँ, मैं खाऊंगी। तो नाश्ता खाने के बाद मैं बैठ गई पैकिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग का रात में एक पार्टी है, जाना है, तो ये गिफ्ट पैकिंग कर रही हूँ बैठ के। देखिए मेरी मम्मी भूत बनी है। कहाँ भूत बने हैं, हम क्लीन कर रहे हैं, मुंह क्लीन कर रहे हैं, फेस क्लीन। तो यहाँ फेस वेस क्लीन करने के बाद मैं हो गई रेडी। रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए पार्टी में जाने के लिए। यहाँ मैं पार्टी में पहुँच गई और पार्टी में देखिए यहाँ हम लोग गेट से चल के जा रहे हैं, कितना सुंदर सजावट हुआ है देखिए यहाँ पे अंदर तक। तो यहाँ अंदर पहुँचने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ तो आदमियों का समंदर लगा हुआ है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, बाप रे बाप, बहुत ही भीड़ था। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ स्नैक्स आइटम खाए, फिर माँ बेटा चले गए खाना खाने। तो यहाँ देखिए हम माँ बेटा दोनों एक थाली में खा रहे हैं। हम लोग बहुत सारा खाना बना था, बिरयानी, मटन, चिकन, प्रॉन, बहुत कुछ बना था और बहुत भीड़ था अंदर से आने के लाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक एक बार लेके आए और खा के फिर वापस। फिर वहाँ पे इनका दोस्त मिले, बहुत सारे जान पहचान मिले। थोड़ा देर रुक के खाना खाने के बाद थोड़ा देर रुक के तो सबके साथ बातचीत किया, गाना भी, ऑर्केस्ट्रा भी हो रहा था वहाँ पे, गाना भी सुने खड़े होके। उसके बाद 10:30-11 बजे तक हम लोग घर वापस आ गए।
तो रास्ते पे जा रहे थे तब एक बारात पार्टी बारात जा रहा था, तो वहाँ पे देखिए कैसे सब डांस कर रहे हैं, डीजे बज रहा है। तो कल जब हम घर पहुँचे तो अम्मू को बहुत तेज़ बुखार आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ अम्मू सोया हुआ है और इतना तेज़ बुखार है, मतलब 102 103 ऐसे बुखार आया। तो इसीलिए मैं और रात में वीडियो एंड नहीं की, तो आज सुबह से फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यही वीडियो द नेक्स्ट डे। तो आज मैं नाश्ता ले आई हूँ बाहर से, क्योंकि अभी आज बनाने का और टाइम नहीं है और अम्मू को रात भर बुखार है, तो इसीलिए नाश्ता लेके आ गई। बड़ा सिंगड़ा सिंगाड़ा और इडली चटनी सब लेके आई, जलेबी भी ले आई। तो ये खा लेंगे सब कोई, फिर खाना जो बनाऊंगी फिर। तो यहाँ मैं गई थी अभी अम्मू का और राधिका अष्टमी का कपड़ा लेने, क्योंकि हम लोग में जो बड़ा बेटा होता है, बेटा बेटी जो होते हैं वो अष्टमी में पहनते हैं, उनका पूजा होता है। तो ये है राधिका जीन्स पैंट और ये है शर्ट ब्लैक कलर का, बोला ब्लैक ही लाना है और एक तो एक्स्ट्रा लाएँ उसके लिए ट्रैक पैंट। और ये है अम्मू का आर्मी वाला पैंट, उसको चाहिए था, और इसका वो टी शर्ट है। देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बोलिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग का ऑस्टमी के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, तो मम्मी यहाँ चावल और बीरी ये सब धो रही है, क्योंकि उसको चावल का पाउडर बनाया जाएगा। चावल को धो के सुखा के उसका पाउडर बनेगा और बीरी को ऐसे ही पीसेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ निकाल रही हूँ नारियल का गुड़दा, क्योंकि उसमें नारियल का स्टफिंग बना के उसके अंदर डाल के वो पीठा बनता है हल्दी पत्ता में, और फिर हल्दी पत्ता भी लगता है, हल्दी पत्ता के अंदर डाल के वो पीठा बनता है। मम्मी ने बना लिया है चावल का पाउडर और मैंने नारियल का गुर्दा भी निकाल के यहीं पे रख दिया है। और बीरी चावल का पाउडर अभी बना रही है, उसके बाद बीरी का पेस्ट बनाएगी। तो यहाँ मैंने हल्दी पत्ता भी काट के धो के उसको साफ करके यहाँ रख दिया है छान के। तो आज तो दिन भर ही प्रिपरेशन में लग गया है, तो दिन भर ही चल रहा है। अभी अम्मू का भी बुखार कम नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है उसको। कल एक जो त्यौहार है घर में और बच्चे का तबीयत खराब है, उसके लिए दवाई भी लेके आई हूँ, उसको दी हूँ, देखती हूँ कल तक अगर ठीक हो जाएगा तो अच्छा है। और अभी प्रिपरेशन चल रहा है, अभी रात में और भी है प्रिपरेशन करने के लिए। तो कल आपको दिखाऊंगी हम लोग का कैसे पिठा बनता है, कैसे त्यौहार मनाते हैं। तो कल का वीडियो देखने के लिए रेडी रहिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ कल के वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।